बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एस्पायरेंट्स। टुडे आई विल थ्रो लाइट ऑन द टॉपिक होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए रोल मॉडल फॉर ए डिप्लोमेट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट वी are offering an online course for the following: English grammar and composition, English writing, impressive, how to write in English impressively and correctly. So there would be three classes per week, and we would be focusing on English writing skills, mock test, and individual feedback. So you may contact for registration. Now इस्लामियात में हमने इस्लामियात के सिलेबस में कुल सात टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें हमने ये तमाम इसके सब टॉपिक्स जो हैं, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ है, जो जो स्लाइड पे शो हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम हमने कवर कर लिए हैं। फिर जो टॉपिक नंबर टू है, इसमें ये टॉपिक नंबर टू जो है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, ये हमने कवर कर लिया था। ये आपको तमाम टॉपिक इस्लामिक स्टडीज़ के हमारे इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिप्लोमेट के बारे में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा कैसे एक रोल मॉडल है एक डिप्लोमेट के लिए। लेकिन आज हम थोड़ा एनालाइज भी करते हैं कि इस पूरे जो टॉपिक नंबर टू है जिसमें पांच पोर्शन है, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पिछले पेपर में पूछे गए हैं। तो सीएसएस का जो नया सिलेबस है वो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो 2016 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दो सवाल 2016 और 23 में आए। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया एज ए रो एज ए मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन जो है मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के लिए क्या मॉडल है आपकी लाइफ में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2022 में दो सवाल आए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉफिटहुड एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, डिस्क्राइब हजरत मोहम्मद एज ए प्रॉफिट ऑफ पीस फॉर द कंटेम्प्रेरी ट्रांसनेशनल वर्ल्ड। फिर 2020 में ये सवाल पूछा गया, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस इन दी लाइट इन दी लाइफ ऑफ दी होली प्रॉफिट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक लेक्चर के ऊपर हो चुका है। और फिर गिव ए जनरल एस्टीमेट ऑफ दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कैरेक्टर इन दी बैटल फील्ड एज ए कमांडर, ये हम डिस्कस करेंगे। दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज दी प्रॉफिट ऑफ पीस फॉर सेफ्टी, एक्सप्लेन विद आर्गूमेंट्स, ये जो है ये भी हम कवर करेंगे अभी। फिर जो 17 का क्वेश्चन है, एलुसिडेट हाउ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन हिम एक्सेम्प्लीफाइड हिम एज द ग्रेटेस्ट पीस मेकर इन द वर्ल्ड बाई मेकिंग रिकंसिलेशन विद पगन्स ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, इसको भी हम कवर करेंगे। तो अब आते हैं डिप्लोमेसी की तरफ। डिप्लोमेसी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा है लिहाजा इसको हम कवर करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने हर टॉपिक को बड़ा डिटेल में कवर किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या हमें कुछ और कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो उसका जवाब ये है कि मैंने पूरी एफर्ट की है इन तमाम लेक्चर्स को तैयार करने में और मुख्तलिफ सोर्सेज से हेल्प ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और सोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी स्लाइड्स पे भी पूरा जो सेंटेंस है वो लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आपको तैयार शुदा नोट्स मिल जाएँ। लेकिन अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कंसल्ट एनी ऑफ दी सोर्सेज, बट मेरी रिसर्च के मुताबिक ये कम्प्रीहेंसिव हैं और इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन बल्कि ऐसे तक लिखा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर।
सो इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी इज एज ओल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री एज द स्टेट सिस्टम. थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी रिलेशंस अमंग डिफरेंट स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड बायलैटरल अग्रीमेंट्स आर मेड. विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी केप्ट ऑन डेवलपिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स इवॉल्व्ड. The persons entrusted with the tasks of diplomacy are called diplomats. So, what are the duties of the diplomats in the modern state system? They negotiate treaties and agreements with other nations and international organizations. They represent their country. They gather information about the political, economic, and social conditions of the host country, and using such information for the benefits of their own country. They protect and work for the advancement of their national interests. They prevent and resolve conflicts or cultural exchange, provision of consular services to the citizens living in the host countries. Now, what are the qualities of a good diplomat? Communication skills, understanding cultural sensitivities, negotiation skills, adaptability and flexibility, problem-solving skills, emotional intelligence, political acumen, tactfulness, networking skills, patience and resilience. They should know how to prevent war and bloodshed. सो डिप्लोमेट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइज और मैच्योर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको डिप्लोमेटिक स्किल्स उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने एक बहुत हसास काम को सरंजाम दे सके. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, रोल ऑफ होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ डिप्लोमेट एंड हाउ ही इज अ रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज सेंट एज प्रॉफिट फॉर ऑल द मैनकाइंड एंड for all times to come. Therefore, his message is not limited to any particular geographical area and any particular time frame. His teachings and life examples cover all the areas of life, including diplomacy. Lessons derived from the diplomatic aspect of life of Holy Prophet are valid for the diplomats of today's world as universal principles. Now, we come to the examples from the life of Holy Prophet, peace be upon him, which provide guidance to a diplomat. First is Hilful Fazul. So Hilful Fazul jo hai, this was an alliance created in Mecca to ensure justice for all, including those who were not under the protection of any clan. This is also referred as League of the Virtuous, as Fazul means the virtuous. Under this pact, various chiefs and members of clans pledged that justice would be done to any foreigner or any person who was not under the protection of any clan in case rights of any person are infringed. हुआ ये था कि एक यमन का ताजिर था जिसके साथ एक पावरफुल ट्राइब के बंदे ने ज्यादती कर दी, उससे कोई सामान की खरीदो फरोख्त में उसको पेमेंट नहीं की, चीजें ले ली, इस तरह कोई इशू था. तो जब उसको उस बंदे ने फिर बाद में जब शोर मचाया तो उसके ऊपर फिर ये एक एहसास पैदा हुआ वहाँ के लोगों में और स्पेशली जो सेंसिबल ट्राइब मैन थे कि अब इसका कोई हाल होना चाहिए कि किसी के साथ ताकतवर लोग ज्यादती कर जाते हैं तो वो बंदा कहाँ जाए. तो एक ये एक उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि हम इंसाफ के साथ खड़े होंगे. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज पार्ट ऑफ दिस पैक्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का दावा नहीं किया था, तो उस टाइम उससे पहले की बात है. टू मेक द पैक्ट सेक्रेट एंड बाइंडिंग ऑल द मेंबर वेंट टू काबा, पोर्ड वाटर दैट फ्लोड ओवर द ब्लैक स्टोन एंड ड्रैंक दैट वाटर एंड प्लाइज दैट दे वुड स्टैंड टूगेदर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश जस्टिस. This pact was effected in pre-Islamic era, but its validity was acknowledged by Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. So, what are lessons in this pact for a diplomat? So, इसके अंदर क्या lessons हैं? One should stand for justice and protection of human rights. Stand for the weak and oppressed.
बी पार्ट ऑफ द गुड पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आर ट्रीटीज दैट प्रमोट गुड वैल्यूज जस्टिस फेयरनेस एंड वर्चूज अबाइड बाई द पैक्ट्स वंस मेड। तो ये इसके अंदर लेसन है। तो दूसरी बात हम करते हैं कि जो इंसिडेंट ऑफ हजर असवद क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट था और इसमें कैसे डिप्लोमेसी के अंदर एक रोशन मिसाल मौजूद है। सो दिस इंसिडेंट हैपेंड, हुआ ये था कि व्हेन द काबा वाज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, तो उसमें ये वक्त आया कि ब्लैक स्टोन जो हजरे अस्वद है इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जन्नत का पत्थर है और ये जमीन पे आया है, तो इसको फिक्स करने के जब टाइम आया तो तमाम कबाइल में इख्तलाफ शुरू हो गया कि कौन इसको इसकी जगह पे फिक्स करेगा, क्योंकि ये बहुत आनर की बात समझी जा रही थी कि इसको ब्लैक स्टोन को फिक्स करने की बात जो है वो बहुत बड़ा आनर था। ये इतना शदीद कन्फ्लिक्ट था कि इससे एक जंग शुरू हो सकती थी, तमाम कबाइल बहुत गुस्से में थे। फिर उनके दरमियान आफ्टर डिस्कशन ये फैसला हुआ कि जो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग काबा में आएगा वही हक रखता है कि उसको फिक्स करे। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो वहाँ पे आए, हजरत मोहम्मद वहाँ पे आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आए, और उन्होंने क्या किया कि जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा हेयर इज मोहम्मद द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी द मोस्ट ट्रुथफुल। तो इसका मतलब ये है कि खिलाफ नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेपुटेशन थी वो ट्रस्ट वर्दी और ट्रुथफुल के तौर पे थी। सो व्हाट होली प्रॉफिट डिड वाज दैट होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पुट द हजरे अस्वद इन ए शीट एंड आस्क द लीडर्स ऑफ ऑल द ट्राइब्स टू कम फॉरवर्ड एंड लिफ्ट द स्टोन दे डिड अकॉर्डिंगली। तो इस तरह सबको इन्वॉल्व कर लिया और बहुत बड़ा ब्लड शेड जो है वो होने से बच गया। व्हेन द स्टोन वाज ब्रॉट नियर द प्लेस वेयर इट वाज टू बी फिक्स्ड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिफ्टेड द स्टोन एंड फिक्स्ड द स्टोन इन इट्स प्लेस। Owing to diplomatic skills of Holy Prophet, much of the bloodshed was averted and a win-win situation was created. तो ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की sagacity और wisdom. Now coming to Muslim migration to Abyssinia, 615 to 617, 15 Muslims migrated to Abyssinia in the directions of Holy Prophet peace be upon him in order to avoid the persecution from Quraysh. चूंकि उस टाइम मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन चल रही थी, मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये कहा कि आप लोग माइग्रेट होके चले जाएं। हजरत जाफिर इब्न अबी तालिब मेड एन इम्प्रेसिव स्पीच रिगार्डिंग होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड कोटेड कुरानिक वर्सेस रिलेटेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बिफोर The king of Abyssinia, Najas, उसके सामने चूंकि कुरैश ने अपना एक वफद भेजा था पीछे नजाशी के पास कि आप इन मुसलमानों को हमारे हवाले कर दें, ये हमारे हमें वांटेड हैं या हमें चाहिए क्योंकि ये हमसे भाग के गए हुए हैं। तो नजाशी के दरबार में हजरत जाफिर बिन अबी तालिब ने एक बहुत मुतासर कुन स्पीच की जिसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा किरदार के बारे में बात की और कुरान मजीद की आयात को रिसाइट किया जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के कामन ग्राउंड्स के बारे में है, जिसमें हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाकीज़ा किरदार की भी गवाही और उसकी गवाही दी गई है। तो इम्प्रेस्ड बाई द स्पीच हजरत जाफिर बिन अबी तालिब नेजस अलाउड द मुस्लिम्स टू स्टे इन अबाइसिनिया एंड सेंट बैक द मैसरीज ऑफ क्रैश हु आर देयर टू ब्रिंग बैक द मुस्लिम्स। इन दिस वे मुस्लिम्स वॉन द गुडविल ऑफ द नेजस एंड होली प्रॉफिट सेंट अदर ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम इमिग्रेंट्स इन अबाइसिनिया अराउंड 100। So what are the lessons from Muslims migration to Abyssinia for a diplomat? Think out of the box to solve any problem. Allah's earth is wide and every country is yours. आप अपने बॉक्स से बाहर जाके सोचें
और पूरी दुनिया को अपना वतन समझें, अपॉर्चुनिटीज को अपने मुल्क से बाहर भी देखें। मतलब ये आप सलम का एक ऐसा सलूशन था कि ये एक यूनिक सोल्यूशन था कि अगर आपके एक जगह जमीन तंग कर दी जाए तो आपके पास माइग्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए। डिप्यूट दी मैन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज स्पोक्समैन ऑफ इम्पोर्टेंट डेलीगेशन हु कैन कन्विंस दी अदर पार्टी विद देयर लॉजिकल आर्गूमेंट्स। फोकस ऑन दी कॉमन ग्राउंड वाइल नेगोशिएटिंग विद अदर, जैसे हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला उन्होंने किया। उन्होंने उन्हीं आयात को कोट किया जो कि नजस को समझ भी आई और उनको ये इनकी बात की सदाकत पे भी यकीन आ गया। एक्सपेंड योर इन्फ्लुएंस थ्रू नेटवर्किंग स्किल्स एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन अदर कंट्रीज। तो नंबर 4 इज जर्नी टू ताइफ। तो जब कुरैश के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत को सुनने से और कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का इरादा किया। ताइफ पहुंचे, वहां के सरदारों से मिले, लेकिन उन लोगों ने भी इस्लाम का मैसेज सुनने से इनकार किया। और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर फेंके और आपको जख्मी कर दिया। तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये पैगाम भेजा है कि अगर आप चाहें तो मैं पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा दूं और इनको, इनके पूरे कबीले को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा और जिब्रील अलैहि सलाम को ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनको माफ़ कर दिया जाए, इनके ऊपर रहम किया जाए। हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो तौहीद की अलमबरदार बने, वो अल्लाह ताला की इबादत करें और किसी को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करें। ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन कल आने वाले दौर में इनकी औलाद में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस्लाम की दावत को कबूल करेंगे। और ये बात सच साबित हुई। आज ताइफ में, ताइफ की जो आबादी देखी जाए तो वहां पे इस्लाम के नाम लेवा और इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। After the conquest of Mecca, some tribal chiefs from Taif met Hazrat Muhammad, peace be upon him, got impressed by the kind and respectful attitude of Holy Prophet and they embraced Islam. उनको वो बात याद थी कि हमने ये सलूक किया था, और उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह कर चुके थे और उनके पास पावर आ चुकी थी, तो उन्होंने उनको झुठलाया नहीं, उनको याद नहीं दिलाया कि आपने मतलब ये सलूक किया था ताइफ में। उन्होंने उनकी बातों को गौर सुना और इसी बात से मुतासर होके उन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया। नाउ व्हाट आर द लेसन फ्रॉम जर्नी टू ताइफ फॉर ए डिप्लोमेट? इफ योर मैसेज इज नॉट बीन एक्सेप्टेड एट वन प्लेस, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्विटेशन। होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन विजिटेड ताइफ इन पर्सन एंड डिलीवर्ड हिज मैसेज डिस्पाइट हॉस्टिलिटीज एंड रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट लेसन इज रिमेन स्टेडफास्ट एंड हैव ए विजन फॉर द फ्यूचर। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड ए ग्रेट विजन, हु डिड नॉट विश डिस्ट्रक्शन फॉर द पीपल ऑफ ताइफ, होपिंग दैट देयर डिसेंडेंट्स वुड एम्ब्रेस इस्लाम, और ऐसा ही हुआ। नाउ जो दो प्लेजेस हैं, प्लेजेस ऑफ अलकबा, प्लेजेस ऑफ अलकबा आर द प्लेजेस ऑफ एलिजियंस ऑफ पीपल ऑफ मदीना टू हजरत मोहम्मद पीस बी अपान हिम प्रेयर टू इमिग्रेशन टू मदीना। इन द फर्स्ट प्लेज ऑफ अलकबा अराउंड 12 मैन फ्रॉम मदीना एम्ब्रेस इस्लाम आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड फ्रॉम गुड मैनर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपान हिम। आफ्टर द फर्स्ट प्लेज होली प्रॉफिट पीस बी अपान हिम अपॉइंटेड हजरत मुसब बिन उमेर एज एम्बेसडर ऑफ इस्लाम इन मदीना टू प्रीच इस्लाम। In the second pledge of Aqaba, around 75 men from Medina pledged allegiance to Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Holy Prophet, peace be upon him, is a role model for a diplomat in a way that Holy Prophet, peace be upon him, impressed the community in Medina with his moral authority and political acumen. And the people of Medina pledged their allegiance even before migration of the Muslims to Medina. Now coming to constitution of Medina. There have been fighting in Medina involving different tribes and clans for almost 100 years before 620 AD. These clashes, including one major battle referred as the Battle of Wath,
मेड क्लियर टू ऑल दी फाइटिंग पार्टीज दैट दीज बैटल्स आर नॉट ए सोल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट्स. दे अग्रीड दैट देयर शुड बी वन पर्सन हैविंग अथॉरिटी ओवर देम एंड टू एडजुडिकेट द आउटस्टैंडिंग इशूज अमंग देम. दैट पर्सन वाज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. आफ्टर इमिग्रेशन टू मदीना होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एंड रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ट्राइब एंड क्लैंस. तो इसको चार्टर ऑफ मदीना भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी बोलते हैं, मिसाक मदीना भी बोलते हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये इसके ऊपर नोट भी आ सकता है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ए मल्टी रिलीजियस स्टेट इन मदीना. दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड ए प्लूरलिस्टिक कम्युनिटी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना रिफ्लेक्ट स्टेट्समैनशिप एंड एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु यूनाइटेड ऑल द ट्राइब्स एंड क्लैंस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम एंड फाउंडेड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रदरहुड जस्टिस इक्वलिटी एंड टॉलरेंस. नाउ कमिंग टू ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 620 AD. दिस ट्रीटी रिफ्लेक्ट्स द पोलिटिकल एक्यूमन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु बिकेम ए पार्टी टू दिस ट्रीटी हुज प्रोविजंस अपीयर अनफेवरेबल टू द मुस्लिम्स इनिशियली. दिस ट्रीटी एस्टैब्लिश ट्रूस बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड द कुरैश ऑफ मक्का. दिस शोज पेशेंस रेजिलियंस एंड कम्प्रोमाइज सीकिंग कीपिंग इन व्यू द ग्राउंड रियलिटीज एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ द टाइम. दिस ट्रीटी एक्नॉलेज द इक्वलिटी ऑफ द मुस्लिम्स एज पार्टनर इन बारगेन. हजरत उस्मान बिन अफान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास भेजा उस टाइम पे कि आप कुरैश से इजाज़त लें कि मुसलमान मक्का में आके उमरा परफॉर्म करना चाहते हैं. तो जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए तो ये खबर फैल गई मुसलमानों में कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है. तो इस बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से बियत ली कि हम इसका बदला मक्का के लोगों से लेंगे. इस बियत को बियत रिजवान भी कहा जाता है या प्लेज ऑफ द ट्री भी कहा जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में. इसके बारे में कुरान पाक की एक आयत है, सूरह अल-फतह 18वीं आयत है. इंडीड अल्लाह वाज प्लीज विद द बिलीवर्स व्हेन दे प्लेज्ड एलिजेंस टू यू ओ प्रॉफिट अंडर द ट्री. ही न्यू व्हाट वाज इन देयर हार्ट्स सो ही सेंट डाउन सेरेनिटी अपॉन देम एंड रिवार्डेड देम विद अ विक्ट्री एट हैंड. जैसा कि ये खबर बाद में झूठी साबित हुई, कुरैश ने अपने एनवाय को, अपने सफीर को सुहेल इब्ने अमर को भेजा ताकि वो मुसलमानों के साथ मुआहदा करे. और इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया कहा जाता है. इस मुआहदे की जो शराइत थी वो ये थी कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ इस दफ़ा उमरा नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे. अगले साल आएंगे सिर्फ 3 दिन के लिए, उमरा करेंगे और उस दौरान कुरैश जो है वो अपना मक्का खाली कर देंगे. मुसलमानों के पास हथियार नहीं होंगे, सिर्फ तलवारें होंगी जो कि ढाल के अंदर होंगी. और जब कोई मक्का का बंदा जो है वो मुसलमानों को ज्वाइन करेगा अपने गार्डियन की परमिशन के बगैर, तो मुसलमान उनको मक्का वालों को पाबंद वापस करने के पाबंद होंगे. लेकिन अगर कोई मुसलमानों का बंदा आ जाएगा मक्का, तो मक्का वाले उसके पाबंद नहीं होंगे वापस करने के लिए. यहाँ पे जो कुरैश मक्का का अम्बेसडर था सुहेल इब्ने अमर, उसने हत्ता के यहाँ तक एतराज किया कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अल्लाह के नबी नहीं लिख सकते. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी अग्री कर लिया और सिर्फ अपना नाम लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और साथ जो है अल्लाह का नबी जो है वो नहीं लिखा. व्हेन द ट्रीटी वाज बीइंग ड्राफ्टेड सुहेल सन अबू जंदल ज्वाइंड मुस्लिम्स. वो मुसलमान होके आ गया उसका बेटा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए, इसकी प्रोविजन से कंप्लाई करते हुए उसको वापस कर दिया. ये एक बड़ा दिल पे पत्थर रख के मतलब करने वाली बात थी, क्योंकि एक बंदा मुसलमान होके आ गया है तो उसको वापस नॉर्मल हालात में नहीं किया जाता. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस ट्रीटी के साथ एग्री कर चुके थे
लिहाजा उनको वापस कर दिया गया। अब वो जनरल के स्पेलिंग जो है वो थोड़े से गलत लिखे गए हैं, JANDAL होंगे। रिफ्लेक्शन फॉर अ डिप्लोमेट एंड ट्रीटी ऑफ उदैबिया, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अग्रीड टू अपेरेंटली एन अनफेवरेबल ट्रीटी एंड कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट वर नॉट हैप्पी विद द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी। क्योंकि ये बहुत बड़ी सख्त शराइत थी, लेकिन उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग्री कर लिया, और बाद में ये साबित हुआ कि ये ट्रीटी जो है ये मुसलमानों के लिए अच्छी साबित हुई इन द लॉन्गर रन। इसका फायदा हुआ मुसलमानों को, और मुसलमानों को कुरैश ने एक इक्वल पार्टनर के तौर पे एक्नॉलेज किया। इस ट्रीटी की वजह से मुसलमानों की एक पहचान बनी, और बाद में ये ट्रीटी उनके लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हुई। बहुत ज्यादा ब्लडशेड होने से बच गया, एक जंग जो है वो नहीं हो सकी, नहीं हो पाई इस वजह से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंश्योर्ड रिकंसिलिएशन एंड पीस इन दी मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। दिस फैक्ट प्रोवाइडेड स्पेस टू दी मुस्लिम अफमदीना अंडर द लीडरशिप ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टू इमर्ज एज ए ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड। फिर आते हैं कंक्वेस्ट ऑफ मक्का की तरफ। मक्का वाज कंकर्ड बाय द मुस्लिम्स अंडर द कमांड ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। क्योंकि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को वायलेट किया बनू बकर ने, जो कि कुरैश के अलाइज थे, इन्होंने बनू खजा पे हमला कर दिया जो कि मुसलमानों के अलाइज थे, और एक नाफल जो कि लीडर था बनू बकर का, उन्हें 20 बनू खजा के 20 लोगों को कत्ल कर दिया जो कि काबा में पनाह ले चुके थे। तो बनू खजा के लोगों ने अपील की मुसलमानों से कि आप हमारी मदद करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना हुए 10,000 सोल्जर्स लेके। रास्ते में अबू सुफियान जो है वो कुरैश मक्का के एम्बेसडर बन के आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने मुसलमानों की इतने बड़े लश्कर देख के, अल्लाह ताला ने उनको उनके दिल में ईमान दिया, उसने इस्लाम कबूल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान, अब चूंकि ये इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो इनके घर को दारुल अमन करार दिया कि जो बंदा भी इसके घर में पनाह लेगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। मुस्लिम आर्मी इंटर्ड मक्का विद द डायरेक्शन फ्रॉम होली प्रॉफिट कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना, और सिवाय उस सूरत में जब आप सेल्फ डिफेंस में किसी को कत्ल करें, अदरवाइज कत्ल नहीं किया जाएगा। सिर्फ चंद एक शरारती और अग्रेसिव लोगों को कत्ल किया गया, वो भी बहुत कम लोग थे, और बहुत ज्यादा ब्लड शेड जो है वो इसमें नहीं हुआ। होली प्रॉफिट इंफ्लिक्टेड नो रिवेंज एंड फॉरगेव ऑल, आम माफी का ऐलान हुआ। इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर। इंडीड द मोस्ट नोबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटियस ऑफ यू, इंडीड अल्लाह इज नोइंग एंड अक्वेंटेड। तो ये कुरान पाक की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच में कोट की। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टैक्टफुल स्ट्रेटेजी की वजह से मुमकिन हुई, क्योंकि मुसलमानों का इतना रोब पड़ गया था कुरैश मक्का पे कि उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं की। सो हाउ होली प्रॉफिट एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स एंड एम्पायर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इनवायस को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा इस्लाम की दावत के लिए। हजरत वही अल कल्बी रजी अल्लाह ताला अनहो को भेजा गया रूमी बादशाह हरेक्लस के पास। ये वो दौर था जब रूम उस दौर की सुपर पावर था, पावरफुल एम्पायर था। ये 628 ईस्वी में हजरत अब्दुल्ला बिन हुजैफा को पर्शियन किंग खुसरो के पास भेजा गया। खुसरो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो लेटर था उसको फाड़ दिया, और अपने सिपाहियों को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजबिल्ला अरेस्ट करके लेके आए। जब वो मदीना पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इलम हो चुका था कि खुसरो को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, उनके मैसेंजर्स को, कि आपका जो बादशाह है वो कत्ल हो चुका है, लिहाजा वो वापस चले गए। हजरत अमरो बिन उमैया जमरी वाज सेंट टू नेजस द किंग ऑफ अबाइसिनिया। कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया।
और हजरत हातिब बिन अबी बलता वाज सेंट टू मकोकस द किंग ऑफ इजिप्ट हु रिस्पॉन्डेड टू द लेटर एंड ट्रीटेड द एनवाय वेरी रेस्पेक्टफुली। और उन्होंने कुछ गिफ्ट भी भेजे, दो खादमाएं लौंडियां जो हैं वो वापस भेजी। हजरत शुजा बिन वहाब असदी को गवर्नर ऑफ शाम के पास भेजा गया, हारिस बिन अबी शमीर, और दो इन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, लेकिन इसकी बहू के बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत आला बिन हजरामी बहरैन भेजा गया और हजरत अमर बिन अल आस को उमान भेजा गया। इनके जो जो बादशाह थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दीज डिप्लोमेटिक मिशन प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन प्रोपेगेटिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द नेबरिंग एम्पायर्स ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर दीज मिशन बिल्ट एमिकेबल रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को मुस्लिमा कजाब के पास भेजा गया। मुस्लिमा कजाब जो था वो इसने नबूवत का जूठा दावा कर रखा था। तो मैसेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आप अपना फॉल्स क्लेम जो है वो खत्म कर दें। मुस्लिमा ने हजरत हबीब बिन जैद को कत्ल करा दिया और बाद में फिर मुस्लिमा जंगे जमामा में मारा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन उमर अजदी को बसरा के बादशाह के पास भेजा, लेकिन उसको भी रास्ते में शहीद कर दिया गया। उसकी जंग के बाद जंगे मुता हुई सितंबर 629 में मुसलमानों और बाजंतीनी सल्तनत के दरमियान। और बहरहाल ये दो जो इम्पोर्टेंट एनवाइस थे मुसलमानों के, ये शहीद हुए। ये जो डिप्लोमेटिक इंडीवर्स हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जनरली कामयाब रहीं और अबाइसिनिया में, बहरीन में, ओमान में इनकी रास्तों के साथ मुसलमानों के अच्छे तलाकात कायम हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मिशन भेजे, जिनके खतूत दिए थे उनको, उनके कॉमन फीचर था कि उन सब में इस्लाम की दावत थी। उसमें ये पैगाम था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करें, और उसमें ये भी था कि मैं अल्लाह ताला का सच्चा नबी हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें अल्फाज होते थे, और ये तीनों चीजें जो हैं वो तमाम लेटर्स में कॉमन थी। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डीलिंग विद दी फॉरेन एनवॉयज एंड डेलीगेट्स, क्या डीलिंग थी? आपने हमेशा फॉरेन डेलीगेट्स को और उनके एम्बेसडर्स को हमेशा वार्म वेलकम दिया, उनको इज्जत दी, उनके साथ बहुत एहतराम से नेगोशिएशन की, और जब इवन वो रूड होते थे, बदतमीजी करते थे, इवन देन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कर्टसी के साथ, उनके साथ बिहेव किया और उनको रिस्पेक्ट दी। सो कंक्लूजन, दीज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सीरा ऑफ होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सजेस्ट द डिप्लोमेटिक एक्यूमन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सीरा ऑफ होली प्रॉफिट इज बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग डिप्लोमैट्स। होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज नॉट डिप्लोमेट ऑफ वन स्टेट ओनली, बट ही वॉज द चीफ एम्बेसडर ऑफ इस्लाम फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।